हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड क्रिकेट के ऊपर। हम सब बोलते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट जो है काफ़ी दिनों से प्लान करी कि वो कब से अपनी क्रिकेट स्टार्ट करें और बायलैटरल सीरीज स्टार्ट करें। अब इंग्लैंड जो है बैक टू बैक तीन सीरीज खेलेगी, ठीक है, और कल से इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की सीरीज स्टार्ट हो रही है। फिर इसके बाद इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज स्टार्ट होगी, फिर इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट होगी। और इंग्लैंड ने जो है एक ऐसा प्लान तरतीब किया है, हम सबको पता है कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से इंग्लैंड हर अपने सब प्लेयर्स पे बोझ नहीं डाल रहा और हर प्लेयर पे बर्डन नहीं डाल रहा है, ठीक है। और इंग्लैंड ईसीबी ने ये प्लान किया कि उनने वनडे और टी20 के प्लेयर साइड पर कर दिए और टेस्ट के प्लेयर साइड पर कर दिए। अब हमें जो है बैक टू बैक क्रिकेट देखने को मिलेगी। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की सीरीज कल से स्टार्ट होने वाली, जिसमें तीन टेस्ट मैचेस है। जब ये सीरीज खत्म होगी तो उसका एक दिन के ब्रेक के बाद ही इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। वो तीनों के तीनों मैचेस जो है साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे और फिर उसके बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें टेस्ट मैचेस भी और साथ साथ टी20 मैचेस भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंग्लैंड ने फाइनली ऐसे डिसीजन लिए कि उनने वनडे के प्लेयर्स अलग कर दी है और टी20 के प्लेयर्स अलग कर दी है और टेस्ट के प्लेयर्स अलग कर दिए। हम सबको पता है कि इंग्लैंड ने अपने कुछ प्लेयर्स अनाउंस किए, जिसमें इंग्लैंड के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो हमें टेस्ट सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इंग्लैंड उनको फोकस कर रहा है कि उनको वनडे और टी20 के रखे, क्योंकि हम सबको पता है कि इंग्लैंड के पास ऐसी एक्सप्लोजिव साइड है ना, इंग्लैंड के पास बैट्समैन भी काफ़ी अच्छे हैं, बॉलर्स भी अच्छे हैं और काफ़ी ऑलराउंडर्स भी है। हम सबको पता है कि जो रूट होगा पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेगा ड्यू टू, क्योंकि उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है और वो बाप बनने वाला है उसके यहाँ बेटा या बेटी पैदा होने वाली, ठीक है। तो वो पहला टेस्ट मैच स्किप करेगा, लेकिन वो दूसरे टेस्ट से इंग्लैंड को ज्वाइन कर लेगा और इंग्लैंड का कप्तानी वही करेगा। लेकिन बेन स्टोक्स भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और वो इंग्लैंड की कप्तानी करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर। और इंग्लैंड जो है ना काफ़ी अच्छी सेंसिबल माइंड के साथ ग्राउंड में उतरेगा, क्योंकि उनके बोर्ड ने उनको एक क्लियर कट ऑप्शन दिए कि आप टेस्ट के प्लेयर हैं और आपने हमें 6 टेस्ट में रिप्रेजेंट करना है। जिमी एंडरसन की मिसाल के तौर पर, जिमी एंडरसन है, स्टुअर्ट ब्रॉड है, वो उनको पता है कि हमने खाली टेस्ट मैचेस खेलने हैं। 3 टेस्ट मैचेस उनके पास पाकिस्तान के खिलाफ और 3 टेस्ट मैचेस उनके पास वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। तो अपने आप को टेस्ट मैच की रिदम में रखेंगे और टेस्ट मैच की फॉर्म में रखेंगे। और कुछ अब इंग्लैंड जो है वनडे के प्लेयर्स अभी उनने अनाउंस करने हैं, क्योंकि उनकी आयरलैंड के खिलाफ सीरीज है। जो ही वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज खत्म होगी उसके अगले दिन इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज स्टार्ट होती है, जिसमें तीन ओडीआई मैचेस है, वो सब के सब साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे, ठीक है। और इंग्लैंड जो है फोकस है कि अपनी क्रिकेट को जल्द से जल्द अपने मुल्क में भी लाए और क्रिकेट एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पेंडेमिक हर मुल्क डर रहा है। हर मुल्क कहता है कि हम क्रिकेट शुरू करवाए, लेकिन ऐसी क्रिकेट स्टार्ट करवाए जिससे कोरोना वायरस ना फैले ना ये पेंडेमिक इतना राइज ऑन फॉल हो। हम सबको पता है कि इंग्लैंड जो है कोरोना वायरस से काफ़ी मुश्किल से डील कर रहा है और इसके प्लेयर्स भी और मुल्क भी काफ़ी मुश्किल से डील कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट वापस स्टार्ट हो गई है। और ये जो तीन सीरीज है पाकिस्तान की, वेस्ट इंडीज के साथ साथ आयरलैंड की, सारी सीरीज जो है ना खाली 2 वेन्यूज पे खेली जाएगी, जिसमें साउथहैम्पटन है और बर्मिंघम का है। तो होप फॉर द बेस्ट कि क्रिकेट जो है जल्दी से रिज्यूम हो जाएगा और कल हमें पहला टेस्ट मैच देखने को मिलेगा बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इंग्लैंड की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम सबको पता है कि इंग्लैंड के पास काफ़ी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के पास भी ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो है वेदर के साथ काफ़ी अच्छे एडजस्ट हो जाएंगे। हम लोग को पता है गैब्रियल काफ़ी अच्छा बॉलर, कीमा रोज काफ़ी अच्छा बॉलर, होल्डर काफ़ी अच्छा बॉलर और भी इनके पास अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन इंग्लैंड के पास बैटिंग इतनी एक्सपीरियंस नहीं है और वेस्ट इंडीज़ के पास भी काफ़ी नबीतुली बैटिंग है। और उनके जो प्लेयर्स कुछ है ना, जैसे होप हो गया, ब्रेथवे हो गया, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो पिछले एक साल से काफ़ी अच्छी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। तो मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी थी कि इंग्लैंड ने वनडे और टी20 की टीम अलग कर दी है और टेस्ट मैचेस की टीम अलग कर दी है, क्योंकि इंग्लैंड नहीं चाहता कि प्लेयर्स पे बर्डन पड़े और प्लेयर्स पे लोड पड़े। और इंग्लैंड चाह रहे कि वो जितनी सीरीज चाहे वो खेल सकते, क्योंकि अब हमें देखिए सीरीज स्टार्ट होगी जुलाई में, ठीक है, जुलाई सीरीज पे पूरा अगस्त सीरीज और फिर सितंबर में जाकर सीरीज खत्म होगी और हमें बैक टू बैक इंग्लैंड कैलेंडर में क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इस तरह ही सपोर्ट करते रहें कि मैं रोज़ क्रिकेट ओपिनियन, क्रिकेट न्यूज़ या कुछ ना कुछ हम इस चैनल पर लाते रहें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।